नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ्टी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास तौर पर। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के नामांकन भरने का अंतिम दिन 3 तारीख। आज अंतिम दिन पालघर में बीजेपी ने अपना नामांकन पत्र भरा। इतने दिनों से बीजेपी और महायुति के कैंडिडेट को लेकर एक संशय था, लेकिन बीते दिन कल को बीजेपी में फाइनल हुआ और ये सीट महायुति के तरह से बीजेपी में गई है। बीजेपी में यहाँ से बीजेपी ने डॉक्टर हेमंत सावरा को अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। तो हेमंत सावरा ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ नाम निर्देशन पत्र भरा, अपना नामांकन भरा और काफ़ी बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ बीजेपी ने किया। बीजेपी ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करते हुए उसमें नामांकन पत्र भरा है। साथ ही साथ बीजेपी और बहुजन विकास आघाड़ी का यहाँ टकराहट भी देखा गया, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा नामांकन भरने के बाद में प्रत्याशी डॉक्टर हेमंत सावरा ने। सर, आपकी उम्मीदवारी आज भरा है, इसे लेकर क्या कहेंगे? आज आपने उम्मीदवारी फॉर्म भरा है तो उसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि तो बहुत संघर्ष के बाद आपको उम्मीदवारी मिली है? संघर्ष नहीं कहते इसको, हमारी जो महायुति है उसमें बहुत विचार विमर्श के साथ बाद में ये उम्मीदवारी तय हुई है, लेकिन हमें महायुति जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एक महीना पहले हमने प्रचार शुरू किया था। हमारे राज्य के नेता देवेंद्र जी, अध्यक्ष चंद्रशेखर जी भवनपुर और पालक मंत्री रविंद्र चौहान थे, बाद में हमारे प्रभारी रानी द्विवेदी मैडम, हमारे जिलाध्यक्ष भरत राजपूत, महेंद्र पाटिल, राजन्नप्पा, और जैसे हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे उम्मीदवार अगर तय नहीं हुआ है तो प्रचार शुरू होना चाहिए, इसलिए हमारी महायुति की सभा 1.5 महीने पहले हो चुकी थी। उसके बाद में हमने तालुका निहाय सभा ली, मीटिंग ली थी, उसके बाद गट निहाय, गण निहाय और अभी बूथ पर प्रचार शुरू हो चुका है, तो मेरे ख्याल से हमें कोई डर नहीं है। राजेंद्र गावित यांच्या नाराजीचा फटका तुम्हाला बसेल का? माझ्या मते राजेंद्र गावित साहेब नाराज नहीं है, त्याचा कोणताही फटका मला बसणार नाही। वसई विरार शहरी क्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी? वसई विरार में जो नागरी असुविधा है वो पानी की समस्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो पानी जाता है डैम के तरीके से वो सब ग्रामीण एरिया से जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पे उपलब्ध होगा और साथ में ग्रामीण एरिया में भी पानी उस डैम के जरिए मिलेगा, वो हमारा निश्चय रहेगा। सर, जैसा देखा जाए कि उम्मीदवारी डिक्लेयर करने में काफ़ी वक्त लगा है, जिसमें आपकी प्रतिद्वंदी पार्टियाँ जो हैं उनका काफ़ी चुनाव प्रचार आगे गया है, तो आपको नहीं लगता कि आप चुनाव प्रचार में आप लोग पिछड़ गए हैं? हम कोई पीछे नहीं है, बीजेपी का संगठन बूथ स्तर पर है, हमारी पूरी कमेटियाँ रेडी थी और वो प्रचार शुरू हो चुका था। उसके बाद में जो हमारे सहयोगी पक्ष है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, श्रमजीवी है, RPI है, कुंभी सेना है, राष्ट्रवादी है, सबके अलग अलग संगठन है और महायुति में जैसे निर्देश दिया था बूथ स्तर पर काम शुरू होना चाहिए, तो वो स्तर पर काम जो है 1 महीने पहले शुरू हो चुका था, इसलिए प्रचार में उनसे ज़्यादा आगाड़ी हमने ली है। ऐसे में आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी या महाविकास? हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।